अच्छा, आप स्टोन्स भी नहीं मानते जो रत्न देखो, शास्त्र है? ऐसा नहीं है, रत्न शास्त्र नहीं है, बिल्कुल रत्न शास्त्र है, मैं नहीं मानता। वैदिक में मांगलिक 90% शादी से रिलेटेड होता है कि जिससे आप शादी करें वो भी मांगलिक होना चाहिए, सेम डिग्री का मांगलिक। हम यहाँ पर क्या है, शादी के लिए मंगल मतलब मांगलिक की भी शादी बिना मांगलिक वाले से करा देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर यहाँ पर क्या देखना जरूरी है, और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बता सकता हूँ कि किसकी कुंडली में पितर दोष है या नहीं है, वो अपने आप देख सकते हैं। कैसे? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी आप कह लीजिए दोष, या लाइफ में आपकी कुंडली में कुछ दोष होते हैं, कुछ आपके नेगेटिवली आपके जो प्लैनेट्स हैं आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो क्या लाल किताब में भी ऐसी चीज़ें होती हैं? अगर मैं बोलूँ साढ़े साथी, काल सर्प, ये चीज़ें बहुत डराती हैं लोगों को, तो लाल किताब एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ को मानते हैं? देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, बाकी सब चीज़ें लाल किताब मानती है, पर दो तीन चीज़ें हैं जो लाल किताब नहीं मानती है। ओके, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लाल किताब जो है शनि की साढ़े सती नहीं मानती। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब साढ़े साथी तो हम लोग काफ़ी, जिसको भी हो जाता है साढ़े साथी का डर, वो तो लाइफ ही अपनी नहीं पाता। शनि की साढ़े सती क्या है, अगर मैं सिंपल से भी अगर मैं बात करूं, जो शनि देव है वो कर्म फल दाता है, ठीक है, इंसाफ पसंद इन्हें बोला गया है, इनका रोल ही ऐसा आता है कि ये हमेशा ही मतलब इंसाफ पसंद रहे हैं, जजमेंटल रहे हैं, कि सही की तरफ ही रहते हैं, गलत की तरफ नहीं जाते हैं, राइट। तो शनि क्या कहते हैं, शनि की साढ़े सती को हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? अगर शनि की साढ़े सती मान लो है भी, वैदिक वालों ने बोला, तो शनि कब खराब फल देगा? जब आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं, अच्छा, नॉनवेज शराब का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, लेबर को सता रहे हैं, अपने चाचा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बना रहे हैं, तो आपको शनि की साढ़े सती परेशान दिखती है। अदरवाइज आप जजमेंटल हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, ना गलत होने दे रहे हैं। कहते हैं गलत करना एक गलत होने देना, ये भी कहीं ना कहीं शनि के उस दोष में आ जाता है, ठीक है। तो आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, नॉनवेज शराब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सबको जजमेंटल नज़र से देख रहे हैं, और तरीके से अपने सिस्टमेटिक आप तरीके से चल रहे हैं, राइट, झूठी गवाही किसी से नहीं दे रहे हैं, चाचा से रिलेशन अच्छा बना के चल रहे हैं, तो शनि आपके लिए बढ़िया है। चाहे कोई भी दशा चल रही हो, कैसी भी चल रही हो, शनि आपको कभी भी तंग नहीं करे। तो आपके पास तो कई लोग ऐसे भी आते होंगे जिनको लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स, छोटी प्रॉब्लम्स रहती होंगी, तो आप उन्हें कैसे उनको एडवाइस देते हैं, कैसे उनको उपाय देते हैं? देखो लाल किताब के जो उपाय होते हैं बड़े नॉर्मल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैंने सबसे बड़ा उपाय बता दिया, मूल मंत्र आपको बता दिया, कि आप ग्रहों की रिश्तेदारी के साथ बना के चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जीवन स्मूथ चलता जाएगा। बट फिर भी किसी वजह से हम रिश्तेदारी से नहीं बना पा रहे हैं, तो हम ग्रहों की राशियाँ, ग्रहों को देख करके अपने ग्रहों को अपने अनुकूल करते हैं। अब वो कैसे, किसी भी ग्रह को कहीं पर पहुंचाना है, लाइक फोर्थ हाउस में पहुंचाना है, तो बड़े आसान से उपाय हैं कि चलते पानी में जल प्रवाह कर दो, मंदिर के उपाय हैं, अच्छा, ठीक है, कि मंदिर में ये चीज़ें दो, गरीबों की सेवा कर दो, अंधे लोगों को ये खिला दो, बड़े बड़े सिंपल से उपाय हैं जिसमें दूसरे किसी व्यक्ति का भला भी हो रहा है और आपके ग्रह भी आपके कूल हो रहे हैं, मतलब अनुकूल हो रहे हैं। तो प्लैनेट्स कहीं ना कहीं जो हमारे सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं, कुछ भी लेट्स रैंडम चीज़ें, वो हर चीज़ प्लैनेट से जुड़ी होती है, हर चीज़। मैं कह रहा हूँ जो हम पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब कुछ ग्रहों से कहीं ना कहीं अटैच है। ओके, ठीक है। हम कपड़े किस कलर के डाले हैं, आज हमारे ऊपर कौन से ग्रह का ज़्यादा इफेक्ट होगा कि हमने यही कलर के डाले, होंगे तो हमारे पास बहुत सारे कलर ना, इसी के क्यों डाले? ये भी पहले से डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड है, मतलब आज आपका प्लेनेट इस चीज को कह रहा है कि इस चीज का आप ये डाल के जाओ। ओके,
हमारे पे डिपेंड है वो सारी चीजें। तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे आज अपना मैं एग्जांपल दूं, मैंने सुबह 4 ड्रेसेस निकाली थी और मैं 3 को छोड़ के मैंने ये जो पहना है वो पहन लिया, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि का इफेक्ट ज्यादा आ रहा था। अच्छा, शनि देव चाहते थे कि आज जो भी प्रोग्राम हो वो बड़े अच्छे से बने, तो उसको बड़े हिसाब किताब से लिया जाए, तो इसलिए उसने अपना रंग अपने आप को दे दिया। अच्छा, तो ये ग्रह प्लैनेट्स पहले डिसाइड कर लेते हैं। डेफिनेटली, ये पहले से। हम क्या खा रहे हैं, हम चने की दाल खा रहे हैं, हम हरे मूंग की दाल खा रहे हैं, ठीक है, हम कौन सी सब्जी खा रहे हैं, हर सब्जी, हर दालें हर ग्रह से रिलेट करती है, हर चीज को ग्रहों से रिलेट किया गया तो है। अगर कोई ग्रह हमारा सही नहीं, लेट से अभी हम शनि की ही बात कर रहे हैं 7.5 वाला, तो अगर शनि हमारे फेवर में नहीं है तो क्या हमें फिर खाना भी सोच समझ के खाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, बड़ा सोच समझ के खाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि उस दिन उस चीज को आप ग्रहण कर रहे हो, तो जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर कहूंगा, जैसे किसी की कुंडली में बुध खराब हो, अच्छा ठीक है, तो उसको जो है हरे मूंग की दाल नहीं खानी चाहिए, खानी नहीं चाहिए। ओके। जब पहले ही वो खराब है, उसको हम और ज्यादा इनहेल कर रहे हैं तो वो खराब करेगा। अच्छा। जैसे बुध किसी का थर्ड हाउस में है, 8th हाउस में है 9th हाउस में है 12th हाउस में है, तो ऐसा इंसान कोशिश करे हरे मूंग की दाल ना खाए, साबुत वाले, ठीक है। किसी का शनि खराब है तो ऐसे इंसान को काले उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, जो दाल मखनी वाले काले उड़द होते, तो उसको वो नहीं खानी चाहिए, ठीक है। महा की दाल भी बोला जाता है इसको, तो ऐसे इंसान को वो दाल नहीं खानी चाहिए। अच्छा जी, मतलब ये तो टिपिकल हो जाता है थोड़ा सा, तो क्योंकि मतलब आपको पता देखो, होना चाहिए। मैंने ना एक अभी आपको थोड़ी देर पहले भी एक लाइन बोली थी कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। तो पहला तो यही हुआ कि रिश्तेदारी से बनाओ, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीजों को खाओ, इन चीजों को पियो, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आयुर्वेद में भी ऐसा ही होता है, आयुर्वेद में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और उसी तरह से जब मैं कह रहा हूँ कि आप परहेज ज्यादा करो, तो बाकी चीजें भी तो आपकी अच्छी हो रही है, तो अच्छा है, परहेज करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको शनि के 7.5 के बारे में बताया, अगर इसी तरह से दूसरा बात करें तो हम काल सर्प दोष को नहीं मानते। काल सर्प दोष तो मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ये देखो हर दूसरी कुंडली में आपको काल सर्प दोष मिल जाएगा, हम नहीं मानते। बेसिकली इसकी जगह हम मानते हैं राहु, तो वो भी तो राहु से ही बनता है शायद, बनता राहु और केतु से ही है, हम सिर्फ राहु खराब या राहु ठीक मानते। अच्छा, तीसरा और सबसे बड़ा, हम मांगलिक दोष नहीं मानते, मांगलिक नहीं मानते हम मांगलिक में, तो आई थिंक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेटेबल है, पर इसको भी करने लग जाए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मंगल नेक और मंगल बद। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये दो मंगल कौन से हैं, ये दो मंगल कौन से हैं। अब एक कसाई है, एक डॉक्टर है, हाँ, दोनों मंगल बद है। अच्छा, ठीक है, और एक मंगल है, यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों को खून से डर लगता होगा, देखने से भी, कई लोग तो खून देखकर बेहोश भी हो जाते हैं। 90% लोगों को लगता होगा। तो जिनका खून देखने के बाद या किसी पर अत्याचार देखने के बाद डर लगने लग जाए, तो समझ लो मंगल नहीं है। अच्छा, ठीक है, और जो खून देख सकता है, अब खून डॉक्टर भी देख सकता है, खून कसाई भी देख सकता है, तो ये दोनों मंगल बद है। अब फर्क यह है कि उसकी परवरिश, जो डॉक्टर की परवरिश है, वो उस मंगलबद की परवरिश ऐसी हुई कि वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। अब कसाई वाले की जो चोर डाकू खूनी जो बनते हैं वो भी मंगलबद है। हाँ, वो लोग तो आराम से खून। अब इसी में एक कैटेगरी और उठा लेते हैं, पुलिस वाले। पुलिस जो है मंगल बद है, बट वो नेक वाला बद है, क्योंकि वो लोगों की सेवा के लिए बने, खून से डर उनको भी नहीं लगता, फौजियों को भी नहीं लगता, क्योंकि वो देश की सेवा के लिए बने। पर इसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं मंगलवद, तो चोर डाकू पुलिस, ये जो भी चोर डाकू जो भी है, तो नेगेटिव हम लोग ये नेगेटिव उसमें चले गए। कसाई, अब जो मीट काटने का काम करते हैं, आप समझो उनको कहाँ डर लग रहा है, उन्होंने छुरा उठाया और काट दिया, मंगलवद दोनों है। अच्छा, ठीक है, तो ये मंगल खराब की निशानी है। अगर इसको आम लैंग्वेज में बात करूं, मंगल नेक मतलब अच्छा मंगल, और मंगल बद मतलब कि मंगल खराब वाला। अब ये कैसे पता लगेगा? हाँ। इंसान मंगल बद वाले बेऔलाद होंगे। अच्छा।
वो खुद बदमाश होंगे या उनकी गली में कोई बदमाश रहता होगा। अच्छा ठीक है, उनके घर में तीन से कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, तीन नंबर थ्री, तीन से, जैसे कि तीन भाई बहन हो सकते अच्छा, हैं ओके, या मम्मी या पापा में से तीन भाई बहन हो सकते हैं। ओके ठीक है, और ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खराब मंगल बद वाला होता है और उसकी परवरिश भी अच्छे से नहीं हुई है, तो ऐसा इंसान जिसके घर में कदम भी रखता है उस घर में भी मंदी हवा आनी शुरू हो जाती है, जिस खेत में कदम रख दे उस खेत में अनाज पैदा होना बंद हो जाए। अभी अभी आपने मंगल बद की बात करी कि जी, डॉक्टर और कसाई भी तो होते मैंने हैं, दोनों लेकिन बताया आपने ना एक बहुत परविश बड़ा, साथ आपने में बोला बोला। कि एक कि उनका बच्चा नहीं, मतलब बेबी प्रॉब्लम रहेगा, तो दो वो कैसे, मतलब ऐसा मेरे को नहीं लगता कि हर किसी के साथ ये इशू रहेगा, मंगल बद वाले के साथ ज्यादातर रहता है, रहेगा जी मंगल ओके बद बहुत ज्यादा खराब होगा, उसके बहुत सारे योग भी बनते हैं। मैं खाली एक मंगल, हाँ हाँ खाली जनरल एक बात नहीं कर रहा हूँ, ओके इसके योग भी साथ में निकल के आते हैं, बहुत सारे योग मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो यहाँ पर हाँ बहुत हाँ लंबा टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो बेऔलाद मिलेगा आपको। अच्छा, तो मंगल एक ही है, अगर वो मंगल सही नेक होता है, एक मंगल वही वाला मंगल बद होता है, बद होता तो है उसे को आप मांगलिक नहीं कहते, आप ये मंगल कहते हैं, बद कहते बट हैं। हमारे जो वैदिक में मांगलिक 90% शादी से रिलेटेड होता है, कि जी जिससे आप शादी करें वो भी मांगलिक होना चाहिए, सेम डिग्री का मांगलिक हम होना यहाँ पर क्या चाहिए। है, शादी के लिए मंगल मतलब मांगलिक की भी शादी बिना मांगलिक वाले से करा देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर यहाँ पर क्या देखना जरूरी है कि इंसान की कुंडली में बुध और शुक्र की नाड़ी लगती है कि नहीं लगती। हम अच्छा गुण देखकर भी शादी नहीं कराते हैं, आपके 36 में से 36 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, आज एक चीज देख लो कि 36 में से 30 और 28 गुण मिलने वाले के डिवोर्स केस सबसे ज्यादा मार्केट में है। कोर्ट में 36 में से 30 या 28 गुण मिल रहे हैं ना, उनके जो है केस, कोर्ट केस जो है बहुत ज्यादा उन्हीं के चल रहे हैं। तो गुण एक भी ना मिलता हो पर आपके ग्रह मैच होते हैं, और आजकल तो खास करना सास बहू के गुण में जरूर मिलाने चाहिए क्योंकि ज्यादा झगड़े के सही कारण बात वही है, बनते सही हैं। बात तो है। ये भी कुंडली से पता लग जाता है किस लड़की की अपनी सास के साथ बनेगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर प्रॉब्लम है भी तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। वही आपने जो प्लैनेट सास के साथ बना के रखोगे तो प्लैनेट्स भी सही हो जाएंगे, या ऐसे ही रिलेशनशिप्स के हाँ, साथ तो उसके बनते हैं। उपाय भी हैं, अगर नहीं बन रही है तो क्या करें। अच्छा तो इनके लिए मैं एक उपाय देना चाहूंगा जिन सास और बहू की नहीं बन रही है। बहुत जरूरी है ये उपाय। ऐसे इंसान दो चांदी की डब्बी ले, अच्छा, ठीक ये है, जेनरिक उपाय बता रहे हैं आप सबके जनरल लिए। सबके लिए, दो चांदी की डब्बी ले, उसमें शहद भरें और ओके ढक्कन से बंद करके उसे सील करा दें। अच्छा सील करने के बाद एक सास को दे दे, एक बहू को दे दे, दोनों अपनी अलमारियों में संभाल के रखें, उन दोनों के बीच में प्यार बनना शुरू हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सिर्फ सास बहू के बारे में। सास बहू के लिए। अच्छा, और अगर जैसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही तो आपस उसके में, बहुत तो सारे उपाय हैं। देखो अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो उस कहीं ना कहीं शुक्र और बुध की नाड़ी नहीं लग रही है, अच्छा तो इस शुक्र बुध की नाड़ी लगाने के लिए रेत, सभी लोग समझते हैं रेत जो है खेती वाली जमीन में या पार्क में डालना शुरू करें 43 दिन तक लगातार, 43 डेज, चाहे एक मुट्ठी रेत उठाएं पार्क में डालें, रेत उठाएं मार पार्क में डालें। अब क्यों, रेत जो है रिप्रेजेंट करती है बुध को और अच्छा खेती वाली जमीन है शुक्र, शुक्र, तो ओके हमें बुध और शुक्र को इकट्ठा ही तो करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा उपाय बहुत है। ही सिंपल है, और मेरे को अनबिलीवेबल भी लग रहा है कि कोई बंदा 43 डेज तक करता रहेगा तो उसका फैमिली आप अपने लाइफ देखो, सही मैं हो ऐसे जाएगा। ऐसे ही उपाय आपको बताऊंगा, जैसे मैंने एक चीज बताई, अब इसी चीज का दूसरा ऑप्शन, भाई रेत नहीं मिल रही अब क्या करूं, पालक है गाय को खिलाए, ओके पालक रिप्रेजेंट कर रही है बुध को और गाय है शुक्र, अच्छा बुध ठीक है, को, अच्छा पालक गए तो दोनों का मेल कंबिनेशन होगा। हो गया। ओके ठीक है, अब तीसरी चीज, मिट्टी की गोली पार्क में डाले। नॉर्मल मिट्टी, अब कैसे, जो मिट्टी है वो शुक्र की है, राइट, उसको गोली बना दी, वो हो गई बुध, तो शुक्र और बुध सातवें घर में, पार्क जो है सातवां घर भी है खेती वाली जमीन, डालना शुरू किया तो उन दोनों की नाड़ी लगने लग गए। अच्छा ठीक है, 43 डेज तक करना फोर्टी थ्री सारा, डेज 43 अब डेज ही क्यों? 43 डेज क्यों, वो मैं बताता हूँ, अभी एक
उपाय और हाँ बता हाँ दो, उसके बाद ओके आपको बताता हूँ। चौथा, हमारी ये नाक की गोलाई, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये हाँ बुध है। बोलते और इत्र जो है, इत्र की खुशबू शनि है, और उसमें सॉरी खुशबू शुक्र है, और उसमें जो तरलता है वो शनि है। हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज में दो प्लैनेट्स बैठते हैं। दो मतलब इत्र जो होता है उसमें हाँ खुशबू शुक्र की है, तरलता शनि की है। इन दोनों को इकट्ठा किया और अपने नोज की टिप्स पे लगाना शुरू किया, तो भी बुध शुक्र शनि इकट्ठे हो गए। बहुत इजी इजी उपाय ठीक बता है, रहे हैं तो ये कर आप। ले। अब आपने कहा कि 43 डेज ही क्यों, ठीक है, एज पर पराशरी 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, और 12 राशियां होती हैं, कितने दिन हो गए ये दिन मतलब प्लस करके प्लस करके 39। 39 हो गए, और 4 दिन कोई भी ग्रह अपने आप को अनुकरण करने के लिए लेता है, इसलिए लाल किताब में 43 डेज का महत्व है। अच्छा, आप कोई भी उपाय बताते हैं 43 डेज करने के लिए ही मैक्सिमम बताते हैं। 43 डेज में, यस मतलब किसी भी ग्रह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसको 43 डेज लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ना ये सामान उठाएंगे और यहाँ रख देंगे पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा तो इसको तरीके से जब करते हैं, इसलिए लाल किताब के उपाय के रिजल्ट जल्दी जल्दी लोगों को मिलते हैं। हाँ, 1.5 महीना ही है, 1.5 महीना सवा ही है महीना अराउंड। दो हाँ, महीना 2 महीना। मतलब आके इंसान बता देता है कि आपने ये चीज़ इस टाइम पे बोली थी और वो चीज़ हो गई। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि जो आप उपाय बता रहे हैं कि कंडीशन इतनी ख़राब है कुंडली की या रिलेशनशिप्स की कि वो नहीं ठीक हो पा रहा, फिर आप उसके बाद सेकंड देखो स्टेप क्या होता अब है? क्या होता है कि कुंडली, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वहां पर दो कुंडलियां आ जाती हैं, तो दोनों को उपाय करने बड़े जरूरी हैं। अब एक चीज बताओ, मैं बीमार हूं, मैं ठीक ही नहीं होना चाहता, मैं दवाई नहीं खा रहा तो ठीक हो जाऊंगा कि? बट ऑब्वियस है ना, मैंने एक चीज बोली आपको, ऑल एस्ट्रोलॉजी आर द डायग्नोस सिस्टम, बट लाल किताब इज अ ट्रीटमेंट सिस्टम। ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोज कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर सकती है। अब मुझे पता है मेरे अंदर ये कैंसर है, या मेरे अंदर डायबिटीज है, या कोई भी प्रॉब्लम है, वो मुझे पता है। अब ये ठीक कैसा होगा, उसका हल जब तक मैं नहीं करूँगा तो मैं ठीक नहीं तो हूँ। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी यही छोटा छोटा होता है, बिल्कुल बड़ा इजी बिल्कुल, वाला। बहुत इजी सॉल्यूशन है लाल किताब के, इतने मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोगों को फिर भी शिकायत आती है कि जी बहता पानी नहीं है तो क्या करें, बहुत कई सारी बार जगह पे आसपास नहीं मिलता है नहीं वो मिलता एंड। है। तो यहाँ पर क्या है, हम बहता पानी, चलता पानी, 4th हाउस चंद्रमा, तो कहीं पर बहता पानी नहीं है, तो ऐसा इंसान जो है चौराहे पर वो उपाय कर सकता है। 4 क्रॉस रोड एज इक्वल टू 4th हाउस, अच्छा, वहाँ राइट, सेम उपाय वहाँ कर सकते वो हैं। कर सकते हैं। ओके कह रहे कि भाई हम चौराहे पर भी करते हुए डरते हैं तो क्या करें, तो किसी खाली मैदान में क्रॉस बनाए, 4 क्रॉस रोड बनाए, उसमें वहां रख दे। ऑप्शंस भी बहुत है, मेरे को लगता है कि आप मतलब ऐसा लग रहा है कि लाल किताब बनी ही आपकी लाइफ को सही करने के लिए, कि डेफिनेटली आप बनी है, नहीं ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बट करो करो, पर करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, करो तो सही कुछ। और देखो ऐसा नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा इंसान है, चाहे बड़े से बड़ा इंसान है, हाँ प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में, हाँ किसी की लाइफ में छोटी है तो किसी की लाइफ में बड़ी है। बट अपनी लाइफ को, मतलब मैंने आपको बताया ना, जैसे हम शतरंज का खेल खेल रहे हैं या सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, तो हमें 0 से 100 पहुंचना है, कहीं ना कहीं सांप ने काटना ही काटना है, तो उस सांप से बचा के आपको 100 तक कैसे लिया जाए, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है हर किसी के साथ, पहुंचे तो कैसे पहुंचाना है, वो जाए। लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर का काम है। और लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर किसी को खुलकर फीस तो ले सकता है, जैसे मैं भी लेता हूँ, खुल के कहता हूँ जी ये फीस चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मेरी मेहनत है, राइट। बट किसी को गुमराह नहीं कर सकता, किसी उपाय के नाम पे, किसी स्टोन के नाम पे, इन चीजों पर लाल किताब गुमराह नहीं करता। अच्छा, आप स्टोन्स भी नहीं मानते जो रत्न शास्त्र देखो है, ऐसा नहीं है, रतन शास्त्र नहीं है, बिल्कुल रतन शास्त्र है, मैं नहीं मानता, पर्टिकुलर आप नहीं मैं मानते नहीं मानता, मैं जल्दी अदरवाइज? से स्टोन रिकमेंड नहीं करता हूँ जब तक मुझे जरूरत नहीं लगती है। अच्छा, तो जरूरत के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम होता है तो ही। बहुत एक्सट्रीम, मतलब जब लग रहा है कि नहीं यार इसके बिना अब काम नहीं चलेगा, तब ओके मैं स्टोन रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज मैं स्टोन रिकमेंड नहीं करता। मैं बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ रिकमेंड नहीं करता। अगर मैं बात करूँ पूरी लाल किताब की, अगर मैं पढ़ के बात करूँ, तो यज्ञ की सिर्फ एक ही जगह पे बात है, वो भी पितृदोष में। अच्छा, पितृदोष मानते हैं आप? पितृदोष तो देखो
बट ऑफिशियल लगता है। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बता सकता हूँ कि किसकी कुंडली में पितर दोष है या नहीं है, वो अपने आप देख सकता है। कैसे? बड़ा आसान सा तरीका है, आप अपनी कुंडली को खोलेंगे, आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, इलेवंथ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में, इन चार ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हो, बुध, शुक्र, राहु, केतु। अच्छा, बुध, शुक्र, राहु, केतु, 2, 5, 9, 11, 12 इस हाउस में हो तो समझ लो कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो है। परंतु इसको और कंफर्म करने के लिए घर के 3-4 मेंबर की कुंडली देखो, सबके लगते हैं, उन सबके इन्हीं घरों में कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह बैठा हो। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब मुझे जानकारी नहीं है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि पितृ दोष फैमिली के बहुत सारे लोगों को लगता है। 3-4 कुंडली में अगर 2-4 ये ग्रह मैच करते हैं तो कुंडली में पितृ दोष है, अदरवाइज पितृ दोष नहीं है। अकेले की कुंडली में भी है तो भी नहीं होता, लेकिन अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो 2 या 3 में होना जरूरी है। हाँ, मिनिमम मिनिमम। और अगर वो नहीं आ रहा, नहीं अगर है तो पितृदोष नहीं है, क्योंकि लोग डराते हैं। आजकल पितृदोष है तो बहुत लोग डराते हैं। पितृदोष को भी पहचानने की ना बड़ी अच्छी एक तरीका है, जो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब टेस्टेड ओके है, हजारों कुंडलियों पे इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। रिसर्च करने के बाद में आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये चीज है तो पितृदोष है। कैसे? आपके घर से निकलते ही आपको पीपल का पेड़ नजर आए, अच्छा, घर के 100 मीटर के दायरे के अंदर मंदिर हो, आपके घर में से पीपल के पौधे निकलने शुरू हो जाएं, ओके, तो समझ लो पितर दोष है। और घर में उम्र से पहले बालों में सफेदी आनी शुरू हो जाए तो पितर दोष। ये थोड़ा आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब दिया है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। लोगों के आप ये देखो ना, हर दो ही चीजें तो हैं, हाँ, जो हर दूसरी कुंडली में मिलती है, काल सर्प दोष, हाँ, एक पितर दोष, तो पितर दोष डेफिनेटली मैं इसके ऊपर मानता हूँ और ये काम करता है। और पितर दोष का भी कोई मुश्किल उपाय नहीं है लाल किताब में, बड़ा सिंपल सा उपाय है, समझ रहे, बड़ा सिंपल सा उपाय है, पीपल के पेड़ पर जल देना है, उसमें काले तिल डालकर, पर देना कब तक है, 43 वीक्स रेगुलर, 43 वीक्स। और संडे के दिन पीपल के पेड़ पर जल नहीं दिया जाता तो उस दिन उसकी छांव को जल देंगे तो पितर दोष वहां पर उसका शांत होने लग जाए। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस बनाई हुई है कि इसको इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि आम इंसान कर ना सके, और यहाँ पर किसी का दिल नहीं दुखाया जा रहा, सिंपल सिंपल सी रेमेडीज दी हुई है, किसी को ठगने वाला काम है नहीं है, हाँ, कि आपको जो है ये पूजा करानी है, ये स्टोन पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब आपके जवाब, आपके जो उपाय सुन के तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सिंपल है, जो मतलब कई बार लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि मैं इतना सा करूंगा और ये सब चल नॉर्मल हो जाएगी प्रॉब्लम। और उसके बाद वही लोग आके कहते हैं कि आपने बताया था ये काम हो गया, उनको भी अनबिलीवेबल लगता होगा कि ये कैसे हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, ग्रहों को सिर्फ ग्रहों की वस्तु देना शुरू किया। अच्छा, मैंने जहाँ पर भी बोला ग्रहों की आशियाँ, उसका मतलब यही है कि ग्रहों की वस्तु ग्रहों को देना। अच्छा।